दोस्तों, कार्स एंड बाइक्स डिटेलर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट डिटेलिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, गाड़ी के पहियों को रोड पर सबसे ज्यादा धूल मिट्टी और कीचड़ को झेलना पड़ता है, जिसके कारण बॉडी की तुलना में गाड़ी के टायर और एलॉयस ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तो चलिए अपने घर पे ही अपने गाड़ी के गंदे पहियों को आसानी से साफ करते हैं, उसे डिटेल करते हैं और उसे बिल्कुल चमचमाता हुआ बनाते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल कार्स एंड बाइक्स डिटेलर में। तो चलिए गाड़ी के पहियों की साफ सफाई और डिटेलिंग की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गाड़ी का जो ये पहिया है वो काफी गंदा हो चुका है। इसके टायर पर और इसके अलॉय व्हील्स पर काफी सारे कीचड़ के दाग धब्बे नजर आ रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल सही समय है जब हमें इस पहिये को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। मैं इस वीडियो में आज इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक फोम स्प्रे करने के लिए, एक माइक्रोफाइबर वॉशमिट अलॉय व्हील्स को अच्छी तरीके से साफ करने के लिए, एक सॉफ्ट ब्रश गाड़ी के टायर को अच्छी तरीके से साफ करने के लिए, और उसके साथ मैं इस्तेमाल करूंगा एक स्पंज और फार्मूला 1 ब्लैक गोल्ड टायर शाइन का, जिससे गाड़ी के टायर्स पर एक अच्छी ब्लैक शाइन आ जाएगी, और उसके साथ एक लॉन्ग ब्रश का। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर की मदद से पूरे पहियों को एक बार पानी से अच्छी तरीके से रिंस कर लूंगा। आप जैसा कि देख सकते हैं कि पानी के प्रेशर से ही इसके अलॉयज पर और इसके टायर पर जो भी फंसा हुआ कीचड़ और धूल मिट्टी है वो काफ़ी हद तक इससे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि चक्के के अंदर का जो स्पेस है उसे भी हम अच्छी तरीके से रिंस कर लेंगे, ताकि अगर वहाँ भी कुछ धूल मिट्टी फंसा हो तो वो भी अच्छी तरीके से साफ हो जाए या लूज़ हो जाए। तो दोस्तों, इस स्टेप में मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इस होममेड फोम स्प्रेयर का। इसकी मदद से मैं गाड़ी के पहिए पर अच्छी तरीके से फोम स्प्रे करूँगा, ताकि इसके टायर पर और इसके अलॉयज पर जो भी सख्त मिट्टी या डस्ट वगैरह है वो लूज़ हो जाए, और बाद में मैं ब्रश की सहायता से इसे अच्छे तरीके से साफ कर सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले पहिए के अलॉयज व्हील्स को हम साफ करेंगे। इन अलॉयज को साफ करने के लिए मैं एक माइक्रोफाइबर वॉशमिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये माइक्रोफाइबर वॉशमिट काफ़ी मुलायम और सॉफ्ट होता है, और इससे आपके अलॉयज पर स्क्रैचेस या खरोच नहीं आएंगे। उसके बाद अलॉय व्हील्स के अंदर तक साफ करने के लिए मैं इस तरीके का एक ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यह ब्रश काफ़ी मुलायम होता है और इससे आप अपने अलॉय व्हील्स के काफ़ी अंदर तक अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। इस तरीके का ब्रश आपको आसानी से आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। तो अलॉय साफ होने के बाद अब बारी आती है टायर्स की। टायर के लिए हम एक सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, और हमें बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशर से अपने टायर पर इसे इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस सॉफ्ट ब्रश के इस्तेमाल से टायर पर फंसा हुआ जो भी धूल मिट्टी और कीचड़ है वो निकल जाएगा, और आपका टायर अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, पिछले स्टेप में पहिए के टायर्स और इसके अलॉय व्हील्स को अच्छी तरीके से साफ करने के बाद अब हम इस प्रेशर वॉशर की मदद से पूरे पहिए को एक बार पानी से अच्छी तरीके से रिंस कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पहिए के पूरे सूखने के बाद इसका जो टायर है वो अच्छी तरीके से साफ हो चुका है, और इसका जो अलॉय व्हील्स है उस पर भी एक जबरदस्त साइन आ चुकी है। अब बारी आती है इसके टायर पर एक टायर ड्रेसर लगाने की। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फार्मूला 1 का ब्लैक गोल्ड टायर शाइन। इस ब्लैक गोल्ड टायर शाइन को मैं इस पंच की मदद से पूरे टायर पर इस तरीके से अप्लाई करूंगा, और अप्लाई करते वक्त आप देख सकते हैं कि इसका जो टायर है वो पहले से और भी ज्यादा ब्लैक नजर आ रहा है, और इस पर एक बहुत ही जबरदस्त शाइन आ चुकी है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।